तो फाइनली 24 आवर बाद, 24 घंटे के बाद हम जब हमने राइस फ्लावर बनाए थे चावल का आटा से, इस ब्रिक को जोड़े थे, उसको हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये काम करता है कि नहीं। वैसे आपको हम बताए थे वीडियो में, रियलिटी ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के वीडियो में, कि जो चाइना का जो वॉल था वो किस हिसाब से, किस पॉइंट, किस से बना था, चावल का आटा हो गया, स्टिकी राइस की मदद से वहाँ का जो चाइना का जो वॉल था वो बनाया था। पर वही एक्सपेरिमेंट को आज हम पूरा कर रहे हैं कि हमारा जो चावल का आटा है उसके मदद से हम दीवार जोड़ते हैं, दीवार जोड़ा के काम करते हैं, वो काम करता है कि नहीं। पर उसमें आप खास करते देखते होंगे उसमें चूना भी मिलाया था, पर हम उसमें इसमें लाइम नहीं मिलाए, सिर्फ चावल का आटा के मदद से हम बनाए हैं। तो देखिए इसको हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये काम करता है कि नहीं, किस तरह का है। ठीक है, देखिए दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया। देखिए मुझे ये लगता है दोस्तों, देखिए देखिए इतना बल लगाने के बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा दोस्तों। मुझे ये लगता है कि चाइना का जो ग्रेट वॉल है वो बनाया है, वो सही में ये प्रोजेक्ट बेस्ट है। हमने केरोसिन सीमेंट मोटार बनाई, मस्टर्ड ऑयल मोटार बनाई, रेड बुल ड्रिंक मोटार बनाई, पर किसी ने काम नहीं किया। पर ये जो हमारा चावल का आटा से हम मोटार बना के ब्रिक को बॉन्ड किए वो काम करता है दोस्तों। चाइना का जो ग्रेट वॉल है वो सक्सेस हो गया, इसी तरह से सक्सेस होगा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, देखिए आप देख सकते हो। और साथ ही साथ इसमें अब इफ़ लाइम मिला देंगे तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। आई होप, मुझे विश्वास हो गया चाइना का जो ग्रेट वॉल है वो स्टिकी राइस और चावल का जो आटा है उसके मदद से वॉल को बनाया होगा, हमें रिसर्च करके पता लग गया। ठीक है, देख सकते हो, देखिए कितना हार्ड है, देखिए ओ माय गॉड, ये तो सीमेंट से भी ज़्यादा हार्ड हो गया दोस्तों। देखिए ओ माय गॉड दोस्तों, आपको झूठ नहीं, हम सोच बोल रहे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, देखिए देखिए हिल भी नहीं रहा, देखिए देखिए कितना अच्छा बॉन्डिंग बना दिया दोस्तों। देखिए 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 इतना बल लगाने के बाद ये उखड़ा दोस्तों। तो हमें इससे ये पता लगता है, जो स्टिकी राइस होता है, स्टिकी राइस और या चावल का आटा, उससे हम ब्रिक का जोड़ा काम करेंगे वो काम करता है। पर उसमें आपको क्या करने क्या करना पड़ेगा, अलग अलग केमिकल मिलाना पड़ेगा, जैसे हो गया लाइम हो गया, ठीक है चून हो गया, इस तरह का अलग अलग केमिकल मिलाओगे तो इस तरह का जो देखिए भूसी है ये नहीं आएगा और ये स्ट्रेंथ अच्छा बना लेगा। ये प्रोजेक्ट हमारा सक्सेस हो गया, आप देख सकते हैं। देखिए आई होप आपको वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस तरह का रिसर्च आप भी अपने घर में कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पिन करते हैं।